स्टार्टिंग दी व्लॉग फ्रॉम टुडे। आज क्या डेट है मम्मी? आज 10 तारीख है। चाय के साथ शुरुआत कर रहे हैं। अन्ना मम्मी खा रही है सांभर चावल, भी थोड़ी देर पहले खाए थे मैंने ये वाले बिस्कुट जो पापा लेके आए हैं, और कल कह रहे थे कि ये बड़े अच्छे हैं, मज़ेदार शुगर शावर कोकोनट बिस्किट। खा के देखते हैं कैसे हैं बिस्किट, ताकि पापा को भी पता चले रिव्यू। अच्छा है, मीठा कम है ना है। सो हे गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो सबसे पहले दिन का शुरुआत अब यहाँ से हो रहा है। लाइक मैं शाम को अभी नहाई हूँ, इट्स अराउंड 6 बज गए हैं, 6:15 हो गए हैं। मैंने आज बाल अपने वॉश करे हैं। तो जब हम सबसे पहले बाल वॉश करते हैं तो मैं 2 चीज़ें लगाती हूँ। पहली चीज़ है हमारा सिरम, जो मैं स्ट्रिक्स का भी यूज़ कर लेती हूँ या फिर मैं जीके का यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद हमारा, आपको जैसे लोगों को पता ही है कि हम प्लम का फेस केयर यूज़ कर रहे हैं, तो हम मोस्टली प्लम की ही चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि पहले टोनर, उसके बाद मॉइस्चराइज़र और उसके बाद सनस्क्रीन। तो सबसे पहले मैं आज ड्रॉअर में टोनर देखने आई थी, अदरवाइज वो वहीं होगा। हम टोनर लगाएंगे कॉटन से, एंड उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र, फिर हम सनस्क्रीन। सबसे पहले हमारा आता है टोनर, जो हम कॉटन के साथ यूज़ करेंगे फेस पे। उसके बाद ये है हमारा मॉइस्चराइज़र जो प्लम के साथ आया है। फिर ये रही हमारी सनस्क्रीन, और ये मेरा जीके का हेयर सीरम है। बेसिकली मैंने जब कैरेटिन कराई थी ना, तब मैं हेयर सीरम लेके आई थी, ये अभी इतना बच गया है। एंड स्ट्रीक्स की मेरे पास बड़ी बॉटल है, लेकिन मैं मोस्टली कहीं पर जीके का भी यूज़ कर लेती हूँ। ये सिर्फ छोटा सा ना, ये 250 का आया था। सो हेयर आई गो। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अपना टोनर। हमने थोड़ी सी कॉटन ले ली है, एंड अब टोनर सी डाउन इधर से, बहुत थोड़ा अमाउंट लेना होता है। और उसके बाद आपने अपने इसको फेस पे वाइप करना होता है, क्योंकि फेस वॉश के बाद भी कुछ डस्ट पार्टिकल्स आपके फेस पे रहते ही रहते हैं, जैसे आप बाहर निकलते हो ना के, तो उसके बस क्लीनिंग के लिए ही है ये। एंड अभी देखना, इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स आ जाएंगे। एंड थोड़े इचिंग भी करता है, जैसे आप इसको फेस पर लगाते हो ना, मेनली नोज के एरिया पे, क्योंकि वहाँ ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड होते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हो इतने आ गए। अब हम क्या करेंगे, मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। मॉइस्चराइज़र भी ना बहुत पी अमाउंट लेना है, लाइक बहुत थोड़ा सा लगाना होता है। वो भी अपने, मैं फिंगर से टैप 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 करके अपने फेस पे ऑल ओवर लगा देती हूँ, ताकि इतना ज़्यादा यू नो लगे ना। और बहुत ही प्यारे हाथों से लगाना होता है, हल्के हल्के हाथों से, आपी का फेस है। अब आई नो इवनिंग हो चुकी है ना, आप लोग कहोगे सनस्क्रीन सनस्क्रीन, यार मेरे को सबने बोला है कि चाहे आप घर पे भी रहते हो ना, तब भी लगाया करो सनस्क्रीन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फेस के लिए। इसको भी बहुत थोड़ा सा अमाउंट लिया है मैंने, वो इसको भी मैं अपनी फिंगर से टैप 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 करके ही लगाऊंगी, अपने नेक के एरिया पे भी एंड अपने फोरहेड पे भी, क्योंकि ना सब ठीक है, लेकिन कई बार हमारा फोरहेड काला लगता है और हमारा फेस गोरा लगता है, तो ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे बेबी हेयर्स होते हैं, फोरहेड वाले हेयर होते हैं। अब मेरा मेन काम है बाल खोलना। अब हमने क्या करना है, जब मैं सब लगा लेती हूँ ना, उसके बाद मैं लगाती हूँ अपना ये हेयर सीरम। बिकॉज अगर हमने इसको पहले लगा दिया ना, तो फेस पे लग जाएगा ये, तो मुझे इसको फेस पे नहीं लगाना होता, तो बहुत थोड़ा सा अमाउंट। इतना लिया एंड इतने को लगा दिया। अभी हमने जैसे स्किन केयर कर रहे हैं, वैसे अपना हेयर केयर भी करेंगे। मैं उसके लिए अभी सबसे पहले आंवला बाहर निकाल के रख जाती हूँ, कितने दिन से मैंने आंवला खाया नहीं है। आंवला का मुरब्बा लेके आए हुए हैं पापा, जो अच्छा होता है बालों के लिए। सिर्फ ये नीचे नीचे वाली लेंथ पे लगता है, ये ऊपर नहीं लगता सिरम, और बहुत थोड़ा थोड़ा वो भी यहाँ यहाँ लगता है सेट करने के लिए, जब आपके बाल खड़े खड़े से उगते हैं तब। सो बेसिकली हमारा
लाइक स्किन केयर हो गया, आप देख सकते हैं कि स्किन मेरी एंड मैंने अपने बाल कर लिए, बालों पे सीरम लगा लिया। अब मेरा टाइम पता है इस टाइम क्या होता है, मेरे को नीचे जाना होता है श्री जी किचन के लिए चाची की हेल्प करनी होती है कि आज वो क्या वीडियो बनाने वाली है, कैसे कंटेंट बनाने वाली है। हालांकि वंशिका को अब एक दो दिन मैंने पूरा सिखा दिया है, अब वंशिका ही करेगी उनका सारा काम, बट स्टिल कुछ दिन मेरे को उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो आइए चलते हैं, लाइट बंद करते हैं यहाँ की सारी एंड नीचे जाके बनाते हैं सारी चीज़ें, एंड तब तक मैं ये फ़ोन चार्जिंग पे भी लगा लूँगी। चलो बाय मम्मी, नीचे जा रही हूँ। बेसिकली हम नीचे जा रहे हैं, खा खा लिए थे ना? हैं? तुम गोभी गोभी क्या खा लिए थे? कब खाया मैंने? बीमार होने से पहले खाए थे। गाइस अभी हम श्री जी रसोई का अभी कंटेंट बनाएंगे, अभी नीचे हो रखी है कि मुनी दिखाएगी। कोई नहीं, शर्माते नहीं है। प्लस हम गोभी के परांठों की बात कर रहे थे, अब चाची के किचन के बहाने हमें कुछ डंका तो खाने का मिलेगा ही मिलेगा। One packet of Maggie masala magic. गाइज अभी अभी हमने क्या कहते हैं चाची का शूट वूट कर दिया, वह एडिट हो रहा है, वंशिका एडिट कर रही है। मैं अभी अपने साथ थोड़ी सी प्रेसिंग कर रही हूँ बालों की, क्योंकि अभी एक वीडियो बनाई थी थोड़ी सी फेल होगी, हमें उसको मैं वापस से रीशूट करूँगी। वंशिका अपना एडिट कर रही है एंड चैनल पे काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, श्री जी रसोई पे भी आने वाली है। वंशिका आज हमने क्या खाया बता, अभी कुछ नहीं बोलेगी, जैसे नहीं बोलना स्टार्ट करेंगे ना तभी बुलाऊंगी। अब मैं जान पूछ के इसको डालूंगी ताकि लोग कमेंट करेंगे नहीं जी दीदी जी बोलो मूँगे मत रहो। आज हमने वर्मिसली खाई है, कल देखेंगे हम क्या खाएंगे, और अच्छी अच्छी रेसिपी आ रही है, इसी बहाने हमें कुछ खाने को भी मिल जाता है डेली शाम को इवनिंग स्नैक्स की तरह। सो अभी आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर तक, अपना दिखाती हूँ कि क्या करा। एक वीडियो आ चुकी है, हमने गिम्बल की वीडियो बना दी है, अब हम एप्पल वॉच की वीडियो बना रहे हैं, हमने मतलब प्रोजेक्ट के काम कर लिए, मैंने थोड़ी सॉरी फंबल कर लिया, मैंने पढ़ाई कर चुकी हूँ मैं, एंड परसों मुझे दिल्ली जाना है किसी काम से, तो देखो बहुत सारे काम हैं। सो फाइनली गाइज अभी अभी मैंने गिम्बल से शूटिंग करी है, एंड ट्रस्ट मी गिम्बल के साथ मेरा रिस्पॉन्स एंड ये इसका अगर मैं रिव्यू बताऊँ तो बहुत अच्छा है अब तक तो। एंड मैं देख रही हूँ कि मतलब ये किस हिसाब से यूज़ कर सकती हूँ, कैसे यूज़ कर सकती हूँ, लाइक इसके अंदर जितने भी अब मैं क्वालिटी वाइज बताऊँ तो क्या कहते हैं ऐसा सच इशू नहीं आया, लाइक माइक की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवाज़ भी बहुत अच्छी आ रही है, एंड मैं इसी को टेस्ट कर रही हूँ कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। हाँ थोड़ा बहुत यू नो अभी स्टार्टिंग में होगी मेरे को दिक्कत, बट सही है, लाइक अच्छा प्रोडक्ट है, हम लोग खरीद सकते हैं। इसका प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो आप इस व्लॉग से पहले आ चुका होगा तो उस व्लॉग को भी देखना। एंड अभी मैं क्या करूँगी, बेसिकली मुझे करना है अपना नाइट केयर रूटीन। सबसे पहले मैं ये बदलूँगी जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं, उससे पहले मैं आपको अपना स्किन केयर दिखा देती हूँ कि हम रात को अपना स्किन केयर रूटीन में क्या करते हैं। बेसिकली गाइस देखो अभी जो हमने ये ऑर्डर करा था प्लम का, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। एक बार मैं गिम्बल को सेटअप कर लूँ, हाँ हो गया अभी सेटअप, हाँ डन। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, मैंने अभी वीडियो बिना मेकअप के बनाई है, लाइक मैंने आज मेकअप नहीं किया क्योंकि यू नो स्किन को भी ब्रीथ हो करना होता है, यू नो एक ऑप्शन उसको भी मिलता रहे कि पूरा टाइम मेकअप अच्छा नहीं लगता। सो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी प्लम का नाइट जेल एंड अंडर आई जेल। मेरे को मेरा अंडर आई जेल मिल नहीं रहा है, इस टेबल पर ही पड़ा था, जिसके मैं सेकंड अभी देखती हूँ। सो मिल गया इतना छोटा सा, दिखता नहीं है, टेबल भी पड़ा होता है। सो हम इसकी थोड़ी सी पोजिशनिंग और सेट करते हैं, डन। तो देखो ये भी इतना यूज़ हो चुका है, इसको भी हमें बिल्कुल पी अमाउंट लेना होता है अकॉर्डिंग टू जो मैंने सारा इसमें पढ़ा था वो। ये नाइट जेल ना सब यूज़ कर रहे हैं, लाइक मेरी सिस्टर, मेरी मम्मा, मैं, तीनों यूज़ कर रहे हैं, तो देखते हैं इसका असर क्या है। आई डोंट नो भी कौन आया था। अब मैं इसको अच्छे से अपने नेक पे भी लगाऊंगी,
एंड ये ना बहुत अच्छा इफेक्ट देता है. लाइक मैं सच्ची बताऊँ, मैंने अब तक जितने ही यूज़ करे हैं, मैं हर वीडियो में इसकी तारीफ करी जा रही हूँ, क्योंकि है जेन्युइनली अच्छा है. अब अंडर आई जेल यूज़ करा जाएगा. एज यू नो मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर आप नाइट आउल हैं, फिर आप पूरी रात जागते हैं, पढ़ते हैं, फिर आप कोई भी काम करते हैं तो होगा. एंड हमारा वैसे भी मेरा काम डिजिटल मार्केटिंग का है, तो पूरा टाइम लैपटॉप यूज़ करना, नोट्स बनाना, उसके बाद अपने खुद के काम करना, फिर ब्लॉग को एडिट करना, बहुत सारे काम होते हैं. सो अब हम इसको भी बहुत थोड़ा लेना होता है. एंड मैंने अपनी फिंगर टिप्स पर लगाती हूँ इन्हें, मैं डायरेक्ट अपने आई पे ऐसे नहीं लगाती, क्योंकि यार मेरे को होता है कि यार सेंसिटिव एरिया है, एंड वैसे ही मेरे को स्पेक्स चढ़े हुए हैं, तो मैं इसको बहुत आराम आराम से मसाज करती हूँ अपने आईलिड पे भी अच्छे से. एंड इसको पूरी ओवरनाइट लगा के हम छोड़ देते हैं. आप इसको दिन में भी लगा सकते हो, पर मैं दिन में प्रेफर नहीं करती, बल्कि ये लिखा हुआ है कि सेफ है, लेकिन फिर भी धूप धूप में जाना होता है, तो मुझे होता है कि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए तभी, क्योंकि पता नहीं होता अब कि आपकी स्किन कैसे रिएक्ट कर दे. अब हमने आंखों पे भी लगा लिया और हमने अपना नाइट जेल भी लगा लिया, तो आपको आफ्टर एंड बिफोर रिजल्ट पता ही चल चुका होगा कि उन्होंने कैसा लग रहा कैसा नहीं लग रहा. सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड. अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी. एंड आप लोग ना बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन लाइक बहुत कम लोग करके जाते हैं, कमेंट भी नहीं करते. तो आई होप आप ये सारी चीज़ें करोगे कि मेरे को सपोर्ट मिले इस चैनल के लिए. एंड वन मोर थिंग गाइज, डिजिटल मार्केटिंग का न्यू बैच अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ. मेरा एक बैच ऑलरेडी ख़त्म होने वाला है. सोनीपत हरियाणा में फिजिकल ट्यूशन अवेलेबल है, लेकिन अगर आप आउटसाइड सोनीपत हरियाणा के हैं, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो आपके लिए ऑनलाइन होगा. सो जो जो इंटरेस्टेड हैं वो इंक्वायरी ले सकते हैं मेरे से, एंड यू कैन कनेक्ट मी. एंड आई एम थिंकिंग टू मेक अ टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, जिसमें आप लोग ज्वाइन करो और अपने सजेशन दो कि दी आपको ऐसे ब्लॉग बनाना चाहिए, वैसे ब्लॉग बनाना चाहिए. एंड गिम्बल के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है. लाइक अभी मैं गिम्बल के साथ ही ये मूवमेंट कर रही हूँ. एंड इसका ट्राईपॉड स्टैंड का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, कि लाइक अब तक मैं जितनी भी यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ बनाती थी, तो मेरे को थोड़ा अब वो पड़ जाएगा, यू नो. अब इसमें स्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, जो मेरा सिर कटता था सिर नहीं कटेगा, और जो हमारी मूवमेंट होती है, अगर हम कुछ दिखाते हैं आप लोगों को, तो ये शेक नहीं होगा. इसका पूरा प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो आ रही है, वो भी आप लोग देखना. एंड बताना आप लोगों को अब क्वालिटी वाइज व्लॉग्स कैसे लगेंगे. सो मीट यू इन अनदर व्लॉग, स्टे ट्यून्ड. आपको हम मिलते हैं नई वीडियो नए व्लॉग के साथ. टिल देन डू कमेंट लाइक शेयर एंड कीप सपोर्टिंग. थैंक यू सो मच.